अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो काफ़ी अर्से से ये कमरा जिस वाले स्टाइल में रह रहा है, तो आज इसकी पूरी लुक चेंज करते हैं। हालत बहुत ख़राब है, पहले इसकी सेटिंग चेंज, पहले सारा समेटते हैं सामान, फिर उसके बाद इसकी सेटिंग चेंज करते हैं। सामान उठा लूँ मैं नीचे से, ये भी उठा लेती हूँ। इस टेबल का तो हमेशा बस ऐसा ही हाल रहता है, आज इसको फुली चेंज करते हैं। और दूसरा मैं ये मच्छरदानी भी आपके सामने खोलूंगी और बंद भी करना बताऊंगी। तो चलो अब्दुल्ला, ये सामान लेके जाओ किचन में रखना। बैग, चटाई की भी जगह चेंज हो जाएगी। ऊपर से झाड़ू लेकर आओ। ये सारे ऊपर कोई मसला नहीं है, नीचे कुछ सामान नहीं होना चाहिए। नीचे पे सफाई करूंगी। इस चारपाई को भी घुमाते हैं। सही डबो के सर के अंदर। बाकी है बारीक तलाई होंगी। मुझे लगा कि आप मेरी मदद करने आए हो चटाई डालने में। मच्छर आ जाएंगे, खिड़की ना खोलना। सबला में खिड़की नहीं खोलते, मच्छर आ जाएंगे। शाबाश बनकर, शाबाश, वेरी गुड। आ जाओ मामा के साथ थोड़ी सी हेल्प करो। मदद नहीं, सारे काम करने चटाई डालनी है ना। शाबाश, हाँ ये तो बच्चों का काम है, आप तो कमांडो हो। शाबाश, अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं मच्छरदानी लेकर आई हूँ ना, वो लगा कर दिखाती हूँ, फिर सुबह बंद करके दिखाऊंगी। अभी दोबारा बंद नहीं करूँगी, बहुत मुश्किल काम है उसका बंद करना। कवर से निकलते ही मच्छरदानी अपने आप ओपन होना स्टार्ट हो जाती है और बिल्कुल अपनी अपनी जगह फिट हो जाती है। इसका ओपन करना इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसका क्लोज़ करना यानी बंद करना थोड़ा सा मुश्किल है, टेक्निकल है बस। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना, तो आप देख लेंगे कि कैसे ये बंद होती है। सो वेरी इजी। तो ये ज़िप्पी, ये देखें। अच्छा, ये मैं आपको दिखाऊँ, डबल अंदर जो होंगे ना वो भी खोल सकते हैं ज़िप को, और बाहर से भी खोला और बंद किया जा सकता है। और बहुत स्मूथ ज़िप है इसकी, और अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत सहूलत हो गई है। मुझे चादर, तकिया, इसे अब्दुल्ला ने कवर डाला है उल्टा करके। चले अब रहेंगे टेबल। हाँ, बहुत थक गई हूँ, टेबल को थोड़ी देर बाद सेट करती हूँ। तो जी, कमरे का हमने नक्शा तब्दील कर दिया है पूरा, आप देख सकते हैं। चरपाइयों की जगह चेंज हो गई है, मच्छरदानी भी अपनी जगह चेंज कर गई है। इसको पहले हमने यहाँ लगाया हुआ था, और यही जो है टेबल भी सेट हो गई है।
काफ़ी उदम मचा था। यहाँ बैग रख लिए हैं और ये टेबल मैंने बिल्कुल नहीं सेट की है क्योंकि मैं थक गई थी, तो इस अब्दुल्ला की मदद से ये टेबल सेट करवाई है। बैग वहाँ पे अच्छे नहीं लग रहे, इनके लिए जगह बनानी है मैंने। ये दोनों बैग जो है ना ये यहाँ वाकई बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे हैं। बाकी कमरा बस इस तरह सेट हो गया, वो छोटा तकिया सफला का है। तो जी गुड मॉर्निंग, अभी सुबह का टाइम है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, बल्कि मैं खुद ही छोड़ के आई हूँ। अभी भी उसका बिस्तर लगा हुआ है और मैं भी साथ इधर ही सो गई थी रात को। कभी मैं चरपाई पे सो जाती हूँ, कभी इनके साथ ही नीचे सो जाती हूँ। तो आज मैं अभी सुबह के टाइम पे आपके साथ इसका शेयर करूँगी, इसको बंद कैसे करते हैं। अच्छा, इसका बंद करना जो है ना ये थोड़ा सा टेक्निकल है तो बहुत ईजी, लेकिन अगर तरीका ना आए ना तो फिर इसको बंद करना बड़ा मुश्किल भी है। तो तरीका आए तो दो मिनट में ये बंद भी हो जाता है बहुत आसानी से। तो फिर अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, पहले मैं इसको खोल के इसके अंदर जो मैंने बिस्तर लगाया है ना वो मैं हटा दूँ। चलो ये हो गया खाली, और मैं इसको पहले बंद करूँगी। और एक दूसरी चीज़ हो गई, जब मैं उनको लेकर गई थी स्कूल तो बाहर सब्ज़ी वाला आया था, इतनी कोई ज़बरदस्त साग आई है ना, यह सरसों का साग, तो आज मैं सरसों बनाऊंगी। इतनी ज़बरदस्त, इतनी फ्रेश, आपको दिखाऊं एकदम ऐसा लग रहा है जैसे अभी कोई खेत से काट के लाया है, सच में रियली। ये देखें फ्रेशनेस देखें। तो अभी मैं इस साग को भी साफ करूंगी अपने लिए, खुद ही मैंने काम ज़्यादा वो कर लिया है, ढूंढ लिया है। तो साग हमें पसंद है और आजकल तो इसका मौसम भी है, स्पेशली इनके बाबा को ज़्यादा पसंद है। दो गड्डियाँ मैं इसके साथ पालक की भी लेकर आई हूँ और बाकी चार है कि कितनी गड्डियाँ इसकी मैं सरसों के लेकर आई हूँ। तो आज पकाएंगे सरसों का साग, ठीक है। पहले मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। सबसे पहले ऊपर वाले दोनों हिस्सों को जोड़ देंगे और फिर नीचे वाला जो हिस्सा है वो साथ मिला देंगे, चौथे हिस्से को भी मिला देंगे। इसमें हैंडल टाइप के भी बने हुए हैं तो वो एक साथ मिलाने हैं। और यहाँ जब मैं इसको मूव कर रही हूँ ना तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हैंडल टाइप का बना हुआ है, ये सारे इकट्ठे इकट्ठे होने चाहिए, तो ये जिस तरह नीचे जाएगा तो वो रोल हो जाएगा अपने आप। तो ये देखिए रोल हो गया ये चारों तरफ से, अच्छा चार रोल बन जाएंगे इसके, तो ये काफ़ी फिर छोटा हो जाता है इसका। यहाँ मैंने कवर रखा है, मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया है ताकि आप नज़दीक से देखें। तो ये अब कवर में फ़िट हो जाता है, कवर भी इसका काफ़ी अच्छे वाला है और कवर में ही ये फिट रहता है, वरना तो अगर कवर नहीं होगा या कवर ख़राब हो गया तो फिर इसको बंद करके रखना, महफूज रखना जो है ना मुश्किल है। फिर ये बंद रहता भी नहीं है, फिर आपको कोई ना कोई इसको चीज़ लगा के रखनी पड़ेगी। आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।